बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर गढ़वाल जिले के श्रीनगर के जंगलों में पिछले 4 दिनों से भयंकर आग लगी हुई है। आग की चपेट में आने से कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गया है। रविवार को जंगल के पास वाले रिहायशी इलाकों में भी आग पहुंच गई। गांव में आग पहुंचने के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है, लोग काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि इस आग को बुझाने के लिए वन विभाग की तरफ से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि हालात पर काबू पाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन गांव वाले इस कोशिश से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। तो हमने तो कोई देखे नहीं, कोई आया भी नहीं। मैं तो काम पे जाती हूँ ना, 5 जगह, तो मैं वहाँ से आई तो आग बहुत तेज से लग रखी थी। तो अभी हम जब घर आए तो मैं दोबारा गई नहीं काम पे, बच्चे छोटे, मैंने कहा कहीं आग उग लग जाएगी तार पे, तो तार मैंने ऊपर कराए, फिर पानी पुनी डाला तो तब तक आग यही आ गई थी। तो कोई आए भी नहीं बुझाने, हमने किसी को देखा भी नहीं। देखो जी, आग तो करीब यहाँ पे 3-4 दिन से लगी हुई है, लेकिन कल रात से जो है आग बहुत ज़्यादा भड़क गई है। और हम लोग यहाँ पे लोकल भी हैं, हमारे घर एकदम नज़दीक है जंगल के। ये आग जो है कितना प्रदूषण यहाँ फैला रहे हैं कि हमको सांस लेना बड़ा दुर्लभ हो गया है। वन विभाग ने तो आँखें मूंद रखी हैं, कोई यहाँ आता है नहीं, देखने तक नहीं आता वन विभाग का कोई कर्मचारी यहाँ पर। सूचना मिली थी जिला आपदा कंट्रोल रूम से कि यहाँ पर आग लगी हुई है और 2 होस्टल खतरे की जल में है। उसके बाद फॉरेस्ट की टीम और पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड और एस टीम सब लोग यहाँ पर मौके पर पहुँचे और फिलहाल आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। खतरे की जल से जो 2 होस्टलों की सीमाएं थी वहाँ पर फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझा लिया गया है। देखिए, लोग बहुत मुश्किल में हैं। लोगों का कहना है कि वन विभाग की तरफ से कोशिश नहीं हुई, लेकिन तहसीलदार कह रहे हैं कि कोशिश हुई। ये है ABP News, आपको रखे आगे।